उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग 2024 काउंसलिंग के लिए जो ऑफिशियल ब्रोशर है यूपी स्टेट की ओर से उसको रिलीज किया गया है। मेजर चेंजेस क्या है इस बार? कई सारे चेंजेस किए गए हैं उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग में, एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस में जो एडमिशन होंगे उनके लिए। स्टेट कोटा में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स होती है प्लस जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स होती हैं जिनमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इनमें इस बार काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। कौन कौन से वो चेंजेस हैं, कौन अप्लाई कर पाएगा और इन चेंजेस का काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या असर पड़ेगा, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग की, upneet.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट, लेकिन जो ब्रोशर रिलीज किया गया है वो आपको मिलेगा डीजीएमई की वेबसाइट पर। डीजीएमई की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर यूपी नीट यूजी 2024 पॉलिसी जो अपलोडेड ऑन 27 डेट यहाँ पर मेंशन है। अब जो बदलाव है वो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। ये पीडीएफ है, हिंदी में ये पीडीएफ है, इंग्लिश में इसको रिलीज नहीं किया गया। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि भाई चेंजेस क्या क्या है, एक जो चेंजेस, हालांकि ये चेंजेस पिछले साल भी लागू था, कि मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्टेट के बाहर के हैं, मतलब दूसरे स्टेट से हैं, और वो अगर यूपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं, हालांकि ये पिछले साल भी था, कि अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और वहां पर आप ओबीसी एससी एसटी की जो कैटेगरी होती है उसमें सपोज आप क्वालिफाइड हैं, लेकिन क्योंकि यूपी ओपन स्टेट है तो हर स्टेट के स्टूडेंट्स यहां पर एलिजिबल होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिर्फ यूपी के स्टूडेंट या फिर जिन्होंने 10th और 12th यहां से किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे केस में प्राइवेट में जब सारे कॉलेज की 100% सीट ओपन है और बाहर के स्टूडेंट्स अगर वो एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं और अपनी कैटेगरी में क्वालिफाइड हैं, लेकिन 162 जो कि 50th परसेंटाइल है जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स, उसमें अगर क्वालिफाइड नहीं है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये रूल पिछले साल भी था। अब ऐसे में जो नए चेंजेस की अगर हम बात करें तो जो मेन पॉइंट्स है, राइट, वो हम आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें तो जो है 100% सीट ओपन है, ऑल ओवर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। स्टे वैकेंसी में यूपी की जो यूजी की स्टे वैकेंसी राउंड होगी उसमें से जो स्टूडेंट्स पिछले बार जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, मतलब 2023 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें स्टे वैकेंसी राउंड में अगर किसी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ था और कॉलेज में उसने अगर एडमिशन नहीं लिया तो फिर वो स्टूडेंट्स इस बार यूपी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये जो रूल था ये ऑल इंडिया कोटा के में जो सीट की ब्लॉकिंग ना हो, इसके बाद जो ये रूल एमसीसी की ओर से दिया गया था कि नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग के लिए बैन किया जाएगा, उसी चीज को यूपी स्टेट जो है वो फॉलो कर रहा है। लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी से अगर अलॉटमेंट हुआ और उसमें एडमिशन नहीं लिया जिन कैंडिडेट्स ने, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर हम काउंसलिंग की फीस की बात करें तो 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए, राइट। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी मनी की बात करें तो वही है जो पिछले साल था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 30,000 और प्राइवेट मेडिकल या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2,00,000 की सिक्योरिटी और 2,000 का रजिस्ट्रेशन प्लस प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 1,00,000 की सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, राइट। हाँ, जो राउंड वाइज जो काउंसलिंग होती है उसमें चेंजेस किया गया है और मेजर चेंजेस है लाइक अपग्रेडेशन कब तक होगा, सीट का रेजिग्नेशन आप कब तक कर सकते हैं, राइट, और फ्री एग्जिट इस बार दिया जा रहा है यूपी में। सो वन बाय वन उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप हम बात कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, देखिए यूपी में जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, 2 साल से बंद हो गया, ऑनलाइन 2 साल से होता आ रहा है, इस बार भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है, राइट, और सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है फ्रीडम फाइटर का, अगर किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो देना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल का मतलब कि जिन्होंने 10th और 12th यहां से नहीं किया उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, राइट, और ये आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, राइट। और जो नोडल सेंटर की लिस्ट यहां पर दी गई है, ये नोडल सेंटर वो है जहां पर कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा नोडल सेंटर, लेकिन
आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पर जाना नहीं है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा जो कि पिछले साल भी होता था। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो यूपी में 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम सीट एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। वो 4 कॉलेज कौन कौन से अगर हम बात करें, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर, ये जो कॉलेज है यहाँ पर टोटल जो 85% स्टेट कोटा होता है यानी 100 में से 85 सीट है, इन 85 सीट्स में एससी के लिए 62 सीट्स, एसटी के लिए 5 सीट राइट, और ओबीसी के लिए जो है टोटल 11 सीट और अनरिजर्व के लिए यहाँ पर सिर्फ 7 सीट है स्टेट कोटा में। तो ये 4 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एससी एसटी का रिजर्वेशन है राइट। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है राइट, अगर हम उसकी बात करें तो फ्रीडम फाइटर्स के लिए और एक सर्विसमैन के लिए 2% राइट, और इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स उनके लिए 5% का, एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए 1%, और जो फीमेल कैंडिडेट्स है यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 20% का ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। का मतलब ये नहीं है कि जो कॉलेज है उस कॉलेज में 20% सीट जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व ही होंगी, ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन कैटेगरीज में यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसमें 20% सीट जो है वो रिजर्व है राइट। अब यहाँ पर जो ओबीसी या फिर जनरल या फिर एससी कैंडिडेट्स हैं राइट, और वो सब कैटेगरी का रिजर्वेशन जिनके पास है, सब कैटेगरी मतलब एनसीसी है या फिर फ्रीडम फाइटर है या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, ये जो कैंडिडेट्स हैं राइट, एक्स सर्विसमैन के भी अगर कैंडिडेट्स हैं तो इनको इनका जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो अपनी कैटेगरी में ही मिलेगा राइट। ये जो रूल ये पहले साल भी था, आप इसको क्लियरली समझ लीजिए कि आप अगर एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं और साथ ही साथ में आपके पास एनसीसी का, फ्रीडम फाइटर का, एक्स सर्विसमैन का या फिर पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन आपके साथ है तो आपको अपनी कैटेगरी की में ही रिजर्वेशन मिलेगा, ओपन कैटेगरी की सीट्स में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि वर्टिकल रिजर्वेशन में ये होता है कि एससी एसटी या फिर ओबीसी के कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं और अगर उनकी रैंक अच्छी है तो फिर वो ओपन की सीट ले सकते हैं, लेकिन अगर सब कैटेगरी का रिजर्वेशन आपके साथ है तो फिर आपको वर्टिकल में जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जिस कास्ट में आते हैं, ओबीसी एससी एसटी राइट, इनमें ही आपको रिजर्वेशन मिलेगी, आप ओपन प्लस सब कैटेगरी के लिए फाइट नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें जो मेजर चेंजेस, जो मेन चेंजेस की अगर हम बात करें कि जहां पर अपग्रेडेशन की फैसिलिटी दी गई है स्टूडेंट्स को, इस बार फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड जब हो जाएगा और सेकेंड राउंड के बाद आपको अपग्रेडेशन की फैसिलिटी यूपी स्टेट काउंसिलिंग में दी गई है। फ्री एग्जिट अभी तक यूपी में नहीं था लेकिन इस बार फ्री एग्जिट दिया गया। फ्री एग्जिट का मतलब यह है कि आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, सिक्योरिटी मनी आपने सबमिट करी और उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हुआ। कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं उस केस में आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी। पहले क्या होता था कि फर्स्ट राउंड में ही अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने अगर वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करी तो फिर आपकी जो सिक्योरिटी मनी होती थी वो फॉरफिट हो जाती थी, मतलब फ्री एग्जिट अभी तक नहीं था यूपी में, लेकिन इस बार यूपी में फ्री एग्जिट दिया गया है और ये गवर्नमेंट के जो सीट्स हैं उनमें भी प्लस प्राइवेट की सीट्स, हर एक मेडिकल कॉलेज में जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी वो फ्री एग्जिट होगी। आपको अलॉटमेंट होता है और उसके बाद आप एडमिशन ले लेते हैं तब भी आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। सेकेंड राउंड के बाद कोई भी फ्री एग्जिट अलाउड नहीं है, ना तो ऑल इंडिया कोटा में ना बाकी के स्टेट में। तो इस तरीके से यूपी में भी जो फ्री एग्जिट है वो सेकेंड राउंड या फिर उसके बाद अलाउड नहीं होगा। अपग्रेडेशन की बात करें कि जो अपग्रेडेशन दिया गया है राइट, वो अपग्रेडेशन आपको सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में दिया गया है इस बार, जो कि बहुत बड़ा चेंज है। यूपी की स्टेट की काउंसलिंग में अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते थे अभी तक सेकेंड राउंड में, लेकिन इस बार सेकेंड राउंड के बाद भी आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज जो मिला था राइट, वो सेकेंड में अपग्रेड नहीं हुआ, लेकिन थर्ड में आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। अपग्रेडेशन का ये रूल बाकी के सभी स्टेट्स में लागू हुआ था पिछली बार, लेकिन 2023 की काउंसलिंग में यूपी ने इसको लागू नहीं किया था, लेकिन इस बार इसको लागू किया गया है। सो यहाँ पर स्टूडेंट नो डाउट थर्ड राउंड तक जाने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अब इसके अगर हम इम्पैक्ट की बात करें कि भाई इसका असर क्या पड़ेगा, क्या कट ऑफ पर इसका कोई असर पड़ेगा, कट ऑफ मार्क्स पर क्या असर पड़ेगा, अगर हम उसकी बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फर्स्ट राउंड में प्री एग्जिट की फैसिलिटी से उन स्टूडेंट्स को फायदा होगा जिनको कि एक गलत कॉलेज मान लीजिए अलॉट हो जाता है, चॉइस सीक्वेंस सही से ना रखने की वजह से
या फिर बाद में अगर उनको पता चलता है कि इस कॉलेज में हिडन चार्जेस हैं या फिर फीस ज्यादा है, ऐसे स्टूडेंट्स को फायदा होगा कि वो कॉलेज छोड़ सकते हैं, सेकेंड राउंड में फिर से अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ पर इसका असर पड़ेगा, गाइस कट ऑफ पर इसका असर नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन होने की वजह से स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन होगा कि वो बेहतर ऑप्शन ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा जिसमें मिलता है उसके लिए वो वेट कर पाएंगे। सेकेंड राउंड में जो सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत कम आती थी वैकेट होके, वो इस बार ज्यादा आएंगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के पास अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन है वो तो है ही है, साथ ही साथ फ्री एग्जिट का ऑप्शन होगा। राउंड वन में हमेशा से कट ऑफ लो जाती थी उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए, इस बार भी जो राउंड वन की काउंसलिंग होगी उसमें जो कट ऑफ है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की लो रहेगी, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ वही अप्लाई करेंगे जिनको प्राइवेट के कॉलेजेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी वो 2 लाख रुपए है। सिक्योरिटी मनी में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, इस वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट जो प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते थे अगर कम सिक्योरिटी फीस तो ज्यादा करते, लेकिन ऐसा नहीं है तो सिक्योरिटी मनी में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। 2023 और 2022 दो ईयर में जो ट्रेंड था अलॉटमेंट का कैटेगरी वाइज, अगर हम बात करें जो रैंक का ट्रेंड था उस ट्रेंड के हिसाब से अलॉटमेंट 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कुछ नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, ऑफिशियल लिस्ट एनएमसी पर अपलोड कर दी जाएगी, मेडिकल विंग की ओर से उसको अपडेट भी किया जाएगा। न्यू कॉलेज आने की वजह से कट ऑफ मार्क्स पर थोड़ा सा, रैंक पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, डाउन होगी रैंक, लेकिन मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार कट ऑफ ऊपर रहेगा, हाँ रैंक डाउन होगी। अब पिछले 2 साल में अलॉटमेंट क्या था गवर्नमेंट में प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, अगर आपको चेक करना है तो फिर आपको विजिट करना medicawing.com की ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपके रैंक पे या फिर मार्क्स पर आपको कॉलेज कौन सा मिल सकता है, वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जब आप विजिट करेंगे तो ये नीट प्रेडिक्टर medicawing की ओर से पिछले 3 साल की ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पर इसको प्रिपेयर किया गया है। वन ऑफ द बेस्ट प्रेडिक्टर जो कि इंडिया में अवेलेबल है, मोर देन 45,000 स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस ने इस प्रेडिक्टर का यूज किया है, कट ऑफ व्यूअर का यूज किया है, राइट। और कट ऑफ व्यूअर अगर आप चेक करेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट 3 कॉलेज के लिए है, मतलब किसी भी 3 कॉलेज का, किसी भी 3 कैटेगरीज का, राइट। आप सर्च कर सकते हैं ये जो कट ऑफ व्यूअर है, यहाँ पर इसके लिए आपको कोई भी अलग से अमाउंट या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको नहीं देना है, कोई भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट। ये 3 कॉलेज का कट ऑफ व्यूअर आप फ्री में चेक कर सकते हैं। हाँ, 3 के बाद अगर आप अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं तो नो डाउट आपको थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन आपको पे करना पड़ता है। अगर हम रैंक प्रेडिक्टर या फिर ये कॉलेज प्रेडिक्टर की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा का जो प्रेडिक्टर है, यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको आपके रैंक पर कौन से कॉलेजेस, क्योंकि ये जो प्रेडिक्टर है ये आपकी रैंक के ऊपर हायर कॉलेजेस जो मिलने के चांसेस होते हैं अप टू 5 कॉलेजेस वो दिखाता है, प्लस आपकी रैंक के नीचे के 5 कॉलेजेस दिखाता है। और रैंक की अगर हम बात करें वेरिएशन, तो जो ट्रेंड था पिछले 2 सालों का, 5 कॉलेज अगर आप हायर लेके चलते हैं और 5 कॉलेज नीचे लेके चलते हैं तो आपका अलॉटमेंट 10 कॉलेजेस के बीच में हो। medicawing का ये प्रेडिक्टर आपको ये बता देता है कि आपके रैंक पर, आपके जो रैंक ऑल इंडिया रैंक है उस पर आपको गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट के कौन से कॉलेजेस में मिलने के चांसेस बन। आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिए www.medicawing.com पर। आपको कोई पूछता है, कुछ पूछना चाहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यूपी काउंसलिंग की जो शेड्यूल होगी या दूसरे स्टेट की काउंसलिंग की जो शेड्यूल होगी प्लस एमसीसी का जो शेड्यूल होगा वो भी medicawing की ओर से जैसे ही काउंसलिंग अथॉरिटी की ओर से अपलोड किया जाएगा medicawing उसको अपलोड करेगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग medicawing। थैंक्स अ लॉट।